हेलो फ्रेंड्स, सीक्रेट्स ऑफ लाइफ एंड माइंड में आपका स्वागत है। मैं सोनू, हिमाचल प्रदेश से। हम बात कर रहे हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है ये हम पिछले वीडियोज में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी जो लोग नए हैं उनके नॉलेज के लिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूनिवर्स का एक ऐसा लॉ है, एक ऐसा नियम है जो कि निरंतर हमारी लाइफ में काम कर रहा है। ये यूनिवर्स एक एनर्जी है और हम सब इसी एनर्जी से बने हैं। मैं, आप और हमारे आसपास जितने भी लोग हैं, जितनी भी चीज़ें हैं, हर चीज़ में एक वाइब्रेशन हो रही है। और जिन चीज़ों में एक जैसी वाइब्रेशन पैदा होती है, एक जैसी तरंगें निकलती हैं, वो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं या एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अच्छी तरह से समझने के लिए सबसे पहले हमें अपने माइंड को समझना होगा। हमारे माइंड के पास कितनी पावर है और हम अपने माइंड की कितनी पावर का यूज़ करते हैं। हमारे माइंड के 3 लेवल होते हैं। एक कॉन्शियस माइंड यानी कि जागृत मन, दूसरा सब कॉन्शियस माइंड यानी कि अर्ध जागृत मन, और तीसरा अनकॉन्शियस माइंड यानी कि बिल्कुल सुप्त मन। लेकिन आमतौर पर हमारे माइंड को 2 ही भागों में बांटा गया है, जिसमें कॉन्शियस माइंड और दूसरा सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस को मिलाकर सब कॉन्शियस ही कहा जाता है। कॉन्शियस माइंड वो है जिसके द्वारा हम रोज के सारे काम करते हैं, जैसे पढ़ना, लिखना, ऑफिस जाना, अपने बाकी के सारे काम करना, सुनना, देखना या कोई डिसीजन लेना, किसी से बात करना, ये सब कॉन्शियस माइंड के काम हैं। लेकिन सब कॉन्शियस माइंड के जो काम हैं उनके बारे में मैक्सिमम हम आमतौर पर सोचते भी नहीं हैं, जैसे हमारे दिल का धड़कना, सांस लेना, पलकों का झपकना, किसी चीज़ को ऑब्जर्व करना, ये सारे सबकॉन्शियस माइंड के काम हैं जो कि अपने आप ऑटोमेटिकली हो रहे हैं। और ये तब से हो रहे हैं जब से हमारा जीवन हमारे माँ के गर्भ में शुरू हुआ है। हमारे जन्म से लेकर अभी तक हमारा सबकॉन्शियस माइंड निरंतर लगातार काम कर रहा है, एक पल के लिए भी रुका नहीं है। यहाँ तक कि जब हम सो जाते हैं तो हमारा कॉन्शियस माइंड काम करना बंद कर देता है, वो आराम की अवस्था में होता है। लेकिन सब कॉन्शियस माइंड उस वक्त भी निरंतर काम करता रहता है, क्योंकि सोने के बाद भी हम सांस लेते रहते हैं, दिल की धड़कन चलती रहती है, ब्लड सर्कल चलता रहता है, हमारा डाइजेशन सिस्टम चलता रहता है। ये सारे काम सब कॉन्शियस माइंड के। हमारे माइंड की जितनी टोटल पावर होती है उसमें से सिर्फ 10% पावर ही हमारे कॉन्शियस माइंड के पास होती है, और बाकी की 90% पावर हमारे सब कॉन्शियस माइंड के पास होती है। इस दुनिया में जितने भी बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग हुए हैं वो सब अपने सब कॉन्शियस माइंड की वजह से ही हुए हैं। एक बार अगर कोई बात आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ गई तो फिर ये उस बात को पूरा करके ही रहता है। अपने सबकॉन्शियस माइंड से आप कुछ भी करवा सकते हैं, इस दुनिया की बड़ी से बड़ी चीज़ हासिल कर सकते हैं, चाहे वो आपकी मनपसंद गाड़ी हो, घर हो, दौलत हो, यहाँ तक कि ये दुनिया का सबसे अमीर आदमी भी आपको बना सकता है और इस दुनिया की बड़ी से बड़ी बीमारी को भी ठीक कर सकता है। अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि हम तो हमेशा यही सोचते हैं कि हम बहुत ही सक्सेसफुल हो जाएं, रातों रात अमीर बन जाएं, हमारे पास अच्छा घर हो, गाड़ी हो, बंगला हो, ये हो, वो हो, हर चीज़ हो। लेकिन ऐसा होता क्यों नहीं है? ऐसा इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि कोई भी इन्फॉर्मेशन हमारे सबकॉन्शियस माइंड में सीधी नहीं जा सकती। जिन इन्फॉर्मेशन को हमारा कॉन्शियस माइंड हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास भेजता है वही इन्फॉर्मेशन इसके पास जा सकती हैं, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड किसी भी बात के लिए ना नहीं करता है, किसी भी बात पर कोई सवाल नहीं उठाता है। आपको जो भी इन्फॉर्मेशन इसके पास भेजते हैं उसको ये सीधा एक्सेप्ट कर लेता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड ये नहीं जानता कि आपके लिए क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है। ऐसा कोई भी सवाल आपका सबकॉन्शियस माइंड नहीं करता है, इसको जो भी बताया जाता है ये सीधा मान लेता है। लेकिन हमारा कॉन्शियस माइंड बहुत ही लॉजिकल होता है, ये लॉजिक के आधार पर काम करता है। ये हर बात को परखता है, तोलता है कि ये सही है या नहीं है, ये गलत है, क्या नहीं है। हर चीज़ को फिल्टर करने के बाद ही जो चीज़ इसे अच्छी लगती है वही इन्फॉर्मेशन ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास भेजता है। समझ लीजिए कि हमारा कॉन्शियस माइंड हमारे सबकॉन्शियस माइंड का पहरेदार होता है। ये सिर्फ उन्हीं इन्फॉर्मेशन को अंदर जाने देता है जो इसे सही लगती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर अभी आप अपने माइंड से कहें कि मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन सकता हूँ, तो आपका कॉन्शियस माइंड आपसे सवाल करना शुरू कर देगा कि ऐसे कैसे हो सकता है, ये नहीं हो सकता, तेरे पास ये नहीं है, बिजनेस नहीं है, तू ये नहीं कर सकता, तुम तो भी पढ़े लिखे नहीं हो, हर किस्म का सवाल ये उठाना शुरू करेगा। लेकिन अगर एक बार आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये यकीन हो गया
कि मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन सकता हूँ, तो ये आपको दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना के ही छोड़ेगा। आपकी लाइफ में जो कुछ भी होता है, जितनी भी घटनाएं होती हैं, अच्छी होती हैं या बुरी होती हैं, जो भी आपके साथ अच्छा या बुरा होता है, वो सब आपके सबकॉन्शियस माइंड की वजह से ही होता है। उन सब चीज़ों को आपका सबकॉन्शियस माइंड ही क्रिएट करता है, और हमारा सबकॉन्शियस माइंड ये सब पुरानी इन्फॉर्मेशन के आधार पर करता है। इसीलिए तो मैं बार बार कहता हूँ, लाइफ में हमेशा पॉजिटिव सोचिए, नेगेटिव चीज़ों की ओर ध्यान मत दीजिए, क्योंकि जिस चीज़ को हम बार 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 अपने कॉन्शियस माइंड में रिपीट करते हैं या बार बार सोचते हैं, वो बात हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है और उस बात पर वो यकीन कर लेता है और वैसा ही हमारी लाइफ में क्रिएट करना शुरू कर देता है। अगर आप अपनी लाइफ में कोई बड़ा गोल तय करते हैं और आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये यकीन दिलाने में सफल हो जाते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, तो यकीन मानिए आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको उस गोल तक पहुँचा देगा। वो आपकी लाइफ में ऐसा माहौल पैदा कर देगा, ऐसे ऐसे लोगों से आपको मिलवाना शुरू कर देगा, ऐसी चीज़ों के पास आपको ले आएगा कि जो आपकी गोल अचीविंग के लिए सहायक होंगी। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि जब तक इस दुनिया में जहाज़ नहीं बने थे तो लोग ये सोच भी नहीं सकते थे कि जहाज़ नाम की कोई चीज़ भी हो सकती है, लेकिन जिस आदमी ने यह सोचा उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये बात बैठ गई कि मैं ये कर सकता हूँ, और उसने कर दिया। आज से 25-30 साल पहले आप सोच भी नहीं सकते थे कि मोबाइल नाम की भी कोई चीज़ आपके हाथ में होगी, लेकिन किसी इंसान ने ऐसा सोचा और उसने अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये यकीन दिलाया और उसके बाद उसने ये करके दिखा दिया। आगे आने वाले टाइम में भी बहुत सी ऐसी चीज़ें आने वाली हैं, बहुत सी ऐसी बातें होने वाली हैं जो कि अभी आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसा हो सकता है, लेकिन जब वो चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी तो आपको नॉर्मल सी लगने लगेगी कि हाँ ऐसा हो सकता है, ये तो नॉर्मल चीज़ है। दोस्तों, हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पास बहुत ही असीमित पावर है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते और जिसका यूज़ करके हम अपने लाइफ को बहुत ही सक्सेसफुल और बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को ज़रूर 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 सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि लाइफ के लिए, सक्सेस के लिए मैं लाता रहूँगा आपके लिए खास बातें, एक नई सोच के साथ, एक नई जानकारी के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में।